Hello students, I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for June the 27th. Okay, kal aapka session vocab wala ho nahi paya tha due to some unavoidable circumstances. Okay, but today onwards ye continue hoga. To chaliye shuru karte hain session ko. Before I start, bata dun, for people who've not joined my Telegram group, please ensure that you join. Here is the ID. You get daily interactions, you can get interaction with me, direct interaction with me. You get daily PDFs of these vocab shows जो आप रख सकते हो revision के लिए at a later stage. तो ये sessions आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा. You can scan this QR code to join the Telegram group. Use the code Josh to avail additional discount for any course that you want to take. CDS, AFCAT और CAPF का course ले रहे हो तो Josh code आप use कर सकते हो for additional discount. तो चलिए शुरू करते हैं. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. पहला क्वेश्चन है हीड विच इज एक्चुअली अ वर्ब. हीड एक वर्ब है विच मीन्स टू पे अटेंशन टू एडवाइस अ वार्निंग एटसेट्रा. किसी एडवाइस या वार्निंग पे ध्यान देने को आप कहते हो हीड और ये एक वर्ब है. हिंदी में सलाह चेतावनी आदि पर ध्यान देना वो हम कहते हैं हीड इन हिंदी. नाउ सेंटेंस क्या था देखिए. द स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC इनिशियली अपियर्ड रिलक्टेंट टू हीड कॉल्स बाय ऑपोजिशन पार्टीज टू ब्रिंग इन सेंट्रल फोर्सेस टू बूस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है. वेस्ट बंगाल के स्टेट इलेक्शन कमीशन. ओके, एक आर्टिकल पहले भी करवाया था इसके बारे में और एक आर्टिकल आया हिंदू एडिटोरियल में जिसमें लिखा था स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले रिलक्टेंट था, हिचकिचा रहा था ऑपोजिशन पार्टीज के ये वाले कॉल को कि ऑपोजिशन पार्टीज कह रही थी कि सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए इलेक्शन डेट में बुलाना चाहिए. सो दे वर हेजिटेंट टू हीड कॉल्स, मतलब दे वर हेजिटेंट, वो नहीं चाह रहे थे कि उन चीज़ों पे ध्यान दें. ओके, दे वर डू नॉट वॉन्ट टू फॉलो दैट, टू बी प्रिसाइज. वो फॉलो नहीं करना चाह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि सेंटर से फोर्सेज यहाँ पे आए. ओके, सो हीड मीन्स पे अटेंशन टू एडवाइस वार्निंग एक्सेट्रा. सिनोनिम्स हीड के हो सकते हैं ऑब्जर्व रिगार्ड ओबे या फॉलो. ऑब्जर्व रिगार्ड ओबे फॉलो ये आपके हो सकते हैं सिनोनिम्स हीड के. एंटोनिम्स हो सकते हैं इग्नोर डिसरिगार्ड नेग्लेक्ट और डिसमिस. नज़रअंदाज करना, ध्यान न देना. हीड का मतलब ध्यान देना. इग्नोर डिसरिगार्ड नेग्लेक्ट डिसमिस बोल दोगे तो ध्यान न देना. तो ये इनके एंटोनिम्स हो सकते हैं. ओके, चलते हैं अगले वर्ड पे विच इज परसीव. परसीव जो है विच इज एक्चुअली अ वर्ब. ऑब्वियसली V3 परसीव्ड कर दोगे तो एडजेक्टिव के तरह भी यूज किया जा सकता है. सो परसीव इज अ वर्ब विच मीन्स टू नोटिस और रियलाइज समथिंग. किसी चीज को नोटिस करना या रियलाइज करना उसको हम कहते हैं परसीव. हिंदी में इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना, देखना, जानना, बोध होना. ओके, हिंदी मीनिंग से उम्मीद करता हूँ आपको और भी क्लैरिटी मिल जाता होगा. इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना, देखना, जानना या बोध होना, दैट इज परसीव. सेंटेंस था अ परसीव्ड डिले इन आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज रिजल्टेड इन द कैलकटा हाई कोर्ट ऑर्डरिंग द पोल बॉडी टू आस्क फॉर एंड डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस. परसीव्ड डिले. ओके, जानबूझ के जो डिले कर रहे थे इन आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज वो क्लियरली दिख रहा था, इट कुड बी नोटिस्ड इजीली. ओके, तो इट वाज अ परसीव्ड डिले इन द आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव एरियाज रिजल्टेड इन कैलकटा हाई कोर्ट ऑर्डरिंग द पोल बॉडी टू आस्क फॉर एंड डिप्लॉय मोर फोर्सेस. क्योंकि कैलकटा हाई कोर्ट को डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा था, दे वर एबल टू नोटिस कि जानबूझ के वहां पे डिले हो रहा है, तो पोल बॉडी को उन्होंने बोला कि और भी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए. ओके, हालांकि ये ऑर्डर पहले ही दे दिया गया था कैलकटा हाई कोर्ट के द्वारा, बट उस पर अमल नहीं किया जा रहा था. सो इट वाज अ परसीव्ड डिले. ओके, नोटिसेबल डिले. परसीव का सिनोनिम हो सकता है नोटिस, स्पॉट और डिसर्न. परसीव एक वर्ब है गाइस, लेकिन यहां पे परसीव्ड एक एडजेक्टिव के तरह यूज किया जा रहा है क्योंकि ये डिले के बारे में बता रहा है, पास्ट पार्टिसिपल. और आप जानते हो पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब तीनों तरीके से काम कर सकते हैं. सो नोटिस, स्पॉट एंड डिसर्न ये सिनोनिम्स हो सकते हैं परसीव के.
एंटोनिम्स हो सकते हैं मिस, ओवरलुक और ओवरपास। किसी चीज़ को नोटिस करने से मिस कर देना, ओके, ओवरलुक कर देना या ओवरपास कर देना। तो दीस, ये इन सभी का मतलब होता है नोटिस करने से, नोटिस नहीं करना टू बी प्रिसाइज, ओके, दोज विल बी दी एंटोनिम्स फॉर दिस वर्ड। नाउ तीसरा वर्ड है विच इज डिस्क्रीशन। डिस्क्रीशन बेसिकली एक नाउन है जिसका मतलब होता है द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीशंस बाय योरसेल्फ, ओके, स्वयं आपके पास वो पावर होना कि आप कोई डिसीशन या निर्णय खुद से ले सको। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता एवं क्षमता, विवेक, समझ बूझ, स्वनिर्णय, स्वनिर्णय भी बोलते हैं, दैट इज डिस्क्रिशन, मतलब खुद से निर्णय लेने की एक ताकत, उसको डिस्क्रिशन कहा जाता है। नाउ सेंटेंस था, इन द ऑर्डिनरी कोर्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस ड्यूरिंग द लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्टेड अंडर द वॉच ऑफ द SEC वुड बी एट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्क्रिप्शन। कह रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स आमतौर पर डिप्लॉयमेंट, जो तैनाती, मैं डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, याद होगा, जो तैनाती होगी सेंट्रल फोर्सेस की लोकल बॉडी इलेक्शंस के द्वारा, ओके, कंडक्टेड अंडर द वॉच ऑफ द SEC, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के निगरानी में ये होगा, वुड बी एट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिस्क्रिशन। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये फ्रीडम ऑफ पावर और डिसीशन मेकिंग उनके पास रहेगा, ओके, आमतौर पर यही होता है, दैट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स। नाउ सिनोनिम डिस्क्रिशन का होता है प्रूडेंस, एबिलिटी टू टेक वाइज डिसीशंस, एबिलिटी टू टेक गुड डिसीशंस, विजडम और डिस्क्रीटनेस, बीइंग केयरफुल इन टेकिंग डिसीशंस। सो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं इम्प्रूडेंस, बीइंग केयरलेस इन टेकिंग डिसीशंस, इनडिस्क्रीशन और केयरलेसनेस। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्क्रीशन। सिंपल इनफ, आगे बढ़ते हैं। चौथा वर्ड है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव एक एडजेक्टिव है विच मीन्स लाइकली टू बी और टू हैपन, किसी चीज की होने की संभावना, जो चीज हो सकता है, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। और एक वर्ड पॉसिबल भी है इसके लिए, दैट इज प्रोस्पेक्टिव। हिंदी में समझो तो संभावित या संभव, संभावित बोलो या संभव बोलो, दैट इज प्रोस्पेक्टिव इन हिंदी। सेंटेंस था, इवन इन द करेंट पॉल प्रोसेस 8 पीपल हैव डाइड एंड देर आर रिपोर्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम फाइलिंग देयर नॉमिनेशंस फॉर सम पंचायत। इस पॉल प्रोसेस के दौरान भी देखा गया कि 8 लोग मर चुके हैं, और ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि जो भी पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं इलेक्शन कम्पीट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कैंडिडेट्स को भी रोका जा रहा है कि नॉमिनेशंस वो न भर पाए कुछ कुछ पंचायतों में, ओके, सो दैट्स द मीनिंग, ओके, दैट्स प्रोस्पेक्टिव मीन्स पॉसिबल, पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिसे कहते हैं। सो पोटेंशियल इज अ सिनोनिम, प्रपोज्ड, पॉसिबल और एंटिसिपेटेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोस्पेक्टिव वर्ड के। एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रीवियस, पीछे आने वाला, पहले आने वाला, प्रीसिडेंट, एंटीरियर और प्रायर, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉर द वर्ड प्रोस्पेक्टिव। अगला वर्ड और पांचवा वर्ड है ग्रीवांस, विच इज अ नाउन। ग्रीवांस इज समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट। कोई चीज जो आपको लगता है अनफेयर है, सही नहीं है, मॉरली करेक्ट नहीं है, और उसके खिलाफ आप अपनी आवाज उठाते हो, उसको हम कहते हैं ग्रीवांस। एक प्रकार की शिकायत बोल सकते हो, हिंदी में शिकायत या व्यथा बोला जा सकता है, यू कॉल इट शिकायत या व्यथा, दोनों चलेगा। सेंटेंस था, इन दीज सर्कमस्टांसेस इट वुड हैव बीन इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स फॉर द SEC टू रिक्विजिशन सेंट्रल फोर्सेज ऑन इट्स ओन। रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट करना, मंगवाना, ओके, इवन इफ, गाइस आज से आप लोग क्या करोगे, जो जो ब्लू वर्ड्स हैं, जो ब्लू हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, उसके सिनोनिम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो ब्लू वर्ड्स में लिखे हैं, कई सारे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कितने लोग को कि याद है
कि जो जो वर्ड्स मैंने डिस्कस किया जनरली उसे ब्लू में रखता हूँ, या ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं कभी ना कभी डिस्कस किया, इसके सिनोनिम्स नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। आई वॉन्ट टू सी कितने लोग रेगुलरली कमेंट करते हो, कितने लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है और कितने लोग याद रखते हो। ओके, आई विल बी रेगुलरली चेकिंग द कमेंट सेक्शन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सो रिक्विजिशन का मतलब मंगाना, किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना। सेंट्रल फोर्सेज ऑन इट्स ओन, इवन इफ द स्टेट गवर्नमेंट हैड सम ग्रीवांस ओवर इट्स डिस्क्रिशन बींग ओवर रूल्ड बाई द हाई कोर्ट ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे परिस्थितियों में इट वुड हैव बीन इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स फॉर द SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए सही होता कि वह खुद ही सेंट्रल फोर्सेस को मंगा लेते खुद से, इवन इफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज सम ग्रीवांस, क्योंकि उनके पास उतने फोर्सेस हैं नहीं। तो ऐसा ही होता कि SEC खुद से ही मंगा लेती फोर्सेस के स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में आए बगैर, या स्टेट गवर्नमेंट्स को इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट था, शिकायत थी कि उन्हें नहीं मंगाना चाहिए सेंटर से। सो द स्टेट गवर्नमेंट हैड सम ग्रीवांस कंप्लेंट्स कि नहीं चाहिए हमें फोर्सेस, ओके, दे डिड नॉट वॉन्ट इट, ओवर इट्स डिस्क्रिशन, उनका जो पावर है डिस्क्रिशनरी पावर स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन लेने का, तो उसके SEC को मंगा ही लेना चाहिए था उसके बावजूद, इवन इफ द स्टेट गवर्नमेंट हैड सम ग्रीवांस, किसी प्रकार का कंप्लेंट था तब भी मंगा लें। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझो गाइस, मैं एग्जैक्टली ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ऐसे समझो, ऐसे परिस्थिति में स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेंटर से फोर्सेस मंगा लेना चाहिए था, इसके बावजूद कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी न किसी प्रकार की परेशानी या कंप्लेंट या शिकायत थी, उसके बावजूद मंगा लेना चाहिए था। ओके, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट की डिसीशन है डिस्क्रिशनरी पावर्स, इसको ओवररूल कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि मंगवाना चाहिए, भले स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहे फोर्सेस, हम खुद तब भी चाहते हैं कि फोर्सेस आनी चाहिए इलेक्शन के दौरान। दैट्स द मीनिंग। सिनोनिम्स ग्रीवांस का होगा कंप्लेंट, फस, रिजेंटमेंट और ग्रज। ओके, नापसंद, किसी चीज से आप सहमत न हो, कंप्लेंट, फस, रिजेंटमेंट और ग्रज हो सकता है इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो सकते हैं कमेंडेशन, कॉम्प्लीमेंट, अप्लॉज और अक्लेम, तारीफ करना, कंप्लेंट न होना, किसी चीज या किसी कदम की तारीफ करना, कमेंडेशन, कॉम्प्लीमेंट, अप्लॉज या अक्लेम, उस सेंस में एंटोनिम्स बन सकते हैं। ओके, सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस डिफेंस एग्जाम्स, यूज दिस कोड जोश to avail discounts on our courses. All the links are there in the description box below. और इस session के PDF के लिए join करिए मेरे Telegram group at IELTS Testbook. Link is there in the description box below. So that was it in this session. Hope you enjoyed and learned from it. मैं आपसे मिलूंगा अगले session में, तब तक के लिए goodbye, stay safe, take care everyone. Bye bye.